हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज मैं आप लोगों के साथ जिस प्रोडक्ट के बारे में जो शेयर करूंगी उसका नाम है वाओ हेयर रिवाइटलाइजर और वाओ हेयर फॉल शैम्पू। सो इन दोनों प्रोडक्ट की मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। सो उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इसकी पैकेजिंग किस टाइप का था। तो शैम्पू तो मुझे बस खाली बोतल ही रिसीव हुआ था, बट ये जो हेयर रिवाइटलाइजर है इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग था जो अभी कहाँ रखा है मैंने भूल गई। सो इसकी जो प्राइस है 599, मतलब वाओ हेयर रिवाइटलाइजर की प्राइस है 599 200 ml, और वाओ हेयर फॉल शैम्पू की जो प्राइस है वो है 499 और 300 ml। मैं पहले इसके बारे में बात कर लेती हूँ। देखिए वाओ स्किन साइंस 10 in मिराकल हेयर रिवाइटलाइजर, सो ये क्लेम क्या क्या करता है देखिए। तो ये क्लेम करता है आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, आपके रूट को स्ट्रेंथ करता है और हेयर को रीग्रोथ करता है, और फीजी हेयर के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। सो इतना सब कुछ ये क्लेम करता है। और इसे यूज कैसे करना है देखिए, सिंपली इसे यूजिंग बहुत ही इजी है। बस आपको स्प्रे करना है, ऐसे स्प्रे करना है, बस ऐसे स्प्रे करना है। सो यूजिंग बहुत इजी है, बस आपको इसे यूज करने से पहले आपकी स्कैल्प जो है वो क्लीन होनी चाहिए ताकि इसकी जो इफेक्ट है आपके स्कैल्प पे बहुत अच्छे से पहुंच जाए। सो मैंने इसे यूज किया है और आप देख सकते हो इतना सा ही ये बचा है, इतना सा बचा है। मैं इसे यूज करती हूँ। सो काफी एक्सपेक्टेशन लेकर मैंने इसे खरीदा था। सो इसकी जो क्लेमिंग है कहीं ना कहीं मैं एग्री नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने इसे यूज किया है और मेरे हेयर में ना कोई न्यू हेयर आया है, ना ही डैंड्रफ कंट्रोल हुआ है, ना ही फीजी हेयर को थोड़ी बहुत चेंजेस आया है, ना ही हेयर रूट स्ट्रेंथ में ऐसी कोई भी मुझे तो इफेक्ट नहीं मिला इसे यूज करते हुए। मैं ना एक साल से यूज कर रही हूँ, और मैं आप लोगों को इससे पहले भी कहा कि मैं मेरी जो फेवरेट ब्रांड है वो वाओ स्किन साइंस है, लेकिन ये प्रोडक्ट ना मुझे काफी हद तक डिसअपॉइंटेड किया है। सो इसे मैं बहुत बार ये भी बोलती हूँ कि अगर आपको छोटी मोटी हेयर लॉस प्रॉब्लम है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं छोटी मोटी हेयर लॉस प्रॉब्लम में भी इसे सजेस्ट नहीं कर सकती। सो इसमें जो क्लेम करता है वो पूरा ही गलत मुझे ऐसा लगता है। सो अब मैं बात करूंगी कि वाओ स्किन साइंस का जो हेयर लॉस शैम्पू है इसके बारे में। सो ये शैम्पू आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका भी जो पैकेजिंग है थोड़ी बहुत मुझे बेकार लगा, क्योंकि पहले दिन से ही ये टूटा हुआ था। और मैंने ये देखा जितने सारे ट्यूब शैम्पू होते हैं ना वो ट्यूब में ही प्रॉब्लम करता है, तो इससे बहुत ज्यादा निकल जाता है। और ये शैम्पू भी क्लेम करता है कि आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपके हेयर को नरिशमेंट रखता है, आपके हेयर रूट जो वीक है इसे स्ट्रेंथ करता है। तो ये सब कुछ ये क्लेम करता है, बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी है उसमें भी था। वाओ स्किन साइंस का हेयर रिवाइटलाइजर में भी बहुत अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट्स है, इसमें भी है। इसे मैंने यूज किया है और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, और इसमें DTH ब्लॉकर और बिंगराज है। सो इंग्रेडिएंट्स तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इसे यूज करके मुझे क्या इफेक्ट हुआ है देखिए, इसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। मुझे ना बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा था अगले साल, जो कि सबको होता है, जो हम मॉनसून में सबको बहुत ज्यादा हेयर लॉस होती है। वो जो मॉनसून की जो सीजन है ना उसमें क्या होता है, हमारे हेयर में बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन होता है और उससे ही हेयर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे टाइप की हेयर लॉस, मतलब मेरी टाइप हेयर के लिए जो कि ऑयली स्कैल्प के अंडर में है, सो उस टाइप पे ना बहुत सारे अच्छे अच्छे शैम्पू भी फेल हो जाता है। लेकिन इसे मैंने जब यूज किया था ना, इंस्टेंट, मैं ये दावा के साथ कह सकती हूँ कि इंस्टेंट ये शैम्पू आपके हेयर लॉस को रोक देगा, क्योंकि ये शैम्पू ना ऐसा हो रहा है, ऐसा मतलब इस शैम्पू का आप यूज करते, एक बार यूज करते ही आपके हेयर लॉस जो है वो कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अगर आपके हेयर लॉस PCOD के लिए है, अगर आपके हेयर लॉस आपके थायराइड के लिए, वो कंट्रोल में आ सकता है कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये दोनों ही प्रॉब्लम मुझे नहीं है। लेकिन अगर आपको हेयर लॉस की दिक्कत है, हेयर लॉस में प्रॉब्लम है, तो ये शैम्पू आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और इसकी जो यूजिंग है ये भी बहुत इजी है, बस आप जैसे भी शैम्पू यूज करते हो वैसे ही शैम्पू यूज करना, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लगता है। और इसकी एप्लीकेशन वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और इस शैम्पू की ज्यादा कुछ स्मेल तो नहीं है, बस यूज करने के बाद ही इसकी स्मेल जो है वो गायब हो जाती है।
और क्वांटिटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगती, बस आपके हेयर लेंथ के ऊपर वो निर्भर करता है। और इस शैम्पू को यूज करके ना आपको और आपके हेयर अगर मेरी तरह फीजी है, ड्राई है, इसे भी वो अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। और मैंने इसे यूज किया है और अभी तक मैं इसे यूज करती हूँ। मैंने बहुत सारे शैम्पू यूज किया है, लेकिन मेरी अब सबसे फेवरेट शैम्पू वाओ हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है। सो आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ आ गई हो। अगर फिर भी कोई बातें इधर उधर हो रही है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो या मेरी कोई भी आईडी पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू प्रोडक्ट के डिटेल्स को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर।